सिद्धार्थनगर जिले की भाजपा और उसके सहयोगी दल की पहली चुनावी जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। रविवार को सोहतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छतहरी ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उन्हें राष्ट्रद्रोहियों का साथ देने वाला बताते हुए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में हुई आतंकी घटनाओं में पकड़े गए आतंकवादियों को अखिलेश यादव ने छोड़ने का प्रयास किया और कुछ को बाइज्जत बरी भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार सेना और पुलिस की नहीं बल्कि आतंकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। आपको बताते चले कि रविवार को सिद्धार्थनगर जिले के सोहतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा और अपना दल गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने जेपी नड्डा यहां आए थे और उनकी इस सभा में लाख कोशिश के बावजूद भीड़ नहीं जुटी सकी और ज्यादातर ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है अखिलेश गले मिलता है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, अखिलेश का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? क्या ऐसे लोगों की हाथ में उत्तर प्रदेश दोगे? क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश संभाल सकते हैं? क्या भाव बेटियां यहाँ सुरक्षित रहेंगी? क्या बताइए, क्या उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा? क्या मित्रों, इसलिए ये चुनाव विनय वर्मा का नहीं है, ये चुनाव जगदम्बिका पाल जी का नहीं है, ये दोनों इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाने का चुनाव है। इस बात को और इसीलिए मैं पत्रकार भाइयों से कहूंगा, मैंने तारीख के साथ बताया है, मुकदमे गिनाए हैं, मुकदमों के नाम गिनाए हैं और मैंने बुजुर्गों के नाम गिनाए हैं और उनको छोड़ने की तारीख भी आपको बताई है। मैं चाहूंगा कि आप अखिलेश से पूछिए कि भाई तुमने संविधान की कसम खाई थी या आतंकवादियों को बचाने की कसम खाई थी? जो लोग जो रक्षक भक्षक बन जाए, जो रक्षक रक्षा करने के बदले जनता का वो नुकसान में पहुंचाए, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? ऐसे लोगों को राजनीति में रखोगे क्या? इनको आराम दो, ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, इनको आराम दो, ये काम नहीं कर सकते हैं। इनका आतंकवादियों से घोर गहरा रिश्ता है, घोर गहरा। मैं कितने किस्से सुनाऊं, पिछले साल एक व्यक्ति पकड़ाया गया, वो जो व्यक्ति पकड़ाया गया वो अलकायदा का था, उसका नाम था मिनहास अहमद और मसीरुद्दीन, दो लोग इनके पास आरडीएस पकड़ाया। पकड़ा किसने? यूपी के एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा। और वो लोग 15 अगस्त को धमाका करना चाहते थे, उसे बचा लिया गया। अखिलेश जी ने क्या कहा कि मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं है। नहीं जनाब, आपको पुलिस पर कहां विश्वास होगा, आपको तो आतंकवादियों पर विश्वास होगा, आप तो आतंकवादियों के साथ खड़े। अभी आपने सुना होगा, 3 दिन पहले आपने सुना था ना वो ए पुलिस सुना था। एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर पुलिस का मनोबल इस तरीके से गिराता हो तो गुंडों को संरक्षण देने का ये तरीका नहीं है तो और क्या है? ऐसे लोगों को राजनीति से अलविदा कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति। आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ, यहाँ इससे संबंधित बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाराणसी में, लखनऊ में और वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या, 3 स्थानों पर बमनाश हुआ। किस तारीख हुआ था? 23 नवंबर 2007। 15 लोग मारे गए। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी दी और उन्होंने कहा था कि हमने इसकी जिम्मेवारी के साथ साथ हम इस बात की भी जिम्मेवारी लेते हैं कि संकट मोचन में जो हुआ, जो दशाश्वमेध घाट पे बम ब्लास्ट हुआ, जो मुंबई के लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, जो श्रमजीवी में बम ब्लास्ट हुआ और जो कुल मिलाकर के हमारे नई दिल्ली में सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हुआ, इन सारे बम ब्लास्ट का जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने। उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए। मेरी बात ध्यान से सुनना और मैं पत्रकारों से चाहूंगा कि जब अखिलेश यहाँ आए तो मेरे तरफ से प्रश्न पूछा,
दो लोग पकड़े गए, एक का नाम था तारिक कासमी और एक का नाम था खालिद मुजाहिद। दोनों को 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी ने रिहा कर दिया, छोड़ दिया और ये कहा कि ये सामाजिक सद्भाव के लिए मैं इनको छोड़ रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको ये छोड़ने से इनकार किया, मुकदमा चला और इनको आजीवन कारावास हुआ, 4 जिंदगियों का आजीवन कारावास हुआ, 4 जिंदगी ये जेल से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी घटना आपको बताना चाहता हूं, सीआरपीएफ के कैंप पर रामपुर में अटैक हुआ, उसमें 7 लोग मारे गए, वो 7 लोगों को उसमें शहाबुद्दीन था बिहार का, वो पकड़ा गया, उस शहाबुद्दीन को भी इसी तारीख को अखिलेश ने छोड़ा और फिर से इलाहाबाद के कोर्ट ने कहा कि आप छोड़ नहीं सकते हो, मुकदमा चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। अभी कल परसों अहमदाबाद ब्लास्ट का नतीजा आया और 39 लोगों पर मुकदमा चला, 38 लोगों को सजाए मौत हुई है। इतनी बड़ी सजा कभी किसी को नहीं हुई, 38 लोग एक साथ सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया और वो भी आजमगढ़ से था और उसका नाम था मोहम्मद सैफ। ये मोहम्मद सैफ का जो पिता है शदाब अहमद।